hello everyone welcome to LK Academy and welcome to current affairs lecture number 22 today we will start with the quote of Nelson Mandela so Nelson Mandela once told that I never lose I either win or learn and the process of civil services examination preparation is such that you never lose right agara exam फर्स्ट अटैम्प्ट में सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर नहीं भी करते हो स्टिल यू लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स इम्पॉर्टेंट थिंग्स यूजफुल थिंग्स फॉर योर लाइफ ओके सो जस्ट कीप ऑन लर्निंग विथ द एम ऑफ अटेनिंग योर गोल आज का जो पहला हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है दैट इज एरिया 2020 रैंकिंग्स और ये है आपके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जो इनोवेशन है तो उनके इनोवेशन के रिगार्डिंग ये रैंकिंग पब्लिश की गई है सो रिसेंटली द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट दैट इज द फुल ए आर आई आई ए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ट्वेंटी ट्वेंटी रैंकिंग वॉज अनाउंसड अराउंड सिक्स सेवेंटी फोर इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेटेड इन दिस रैंकिंग इन ट्वेंटी ट्वेंटी कम्पेयर विद फोर नाइन्टी सिक्स इन ट्वेंटी नाइन्टीन तो देखिये फो ट्वेंटी नाइनटीन से काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसको पब्लिश किसने किया इसको पब्लिश किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ़ द मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन देखिए वो पहले था एच मिनिस्ट्री अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिस्टमेटिकली रैंक ऑल दी मेजर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया ऑन इंडिकेटर्स रिलेटेड टू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट अमोंग स्टूडेंट एंड फैकल्टीज तो कोई इंस्टीट्यूशन या कोई कॉलेज इनोवेशन के फ़ील्ड में कितना आगे है कौन से रैंकिंग पे है क्या काम कर रही है क्या काम उसको करना चाहिए ये सारी डिटेल्स पे ये रैंकिंग आपको गवर्नमेंट देती है स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन more than quality more than quantity area focuses on quality of innovations and tries to measure the real impact created by these innovations nationally and internationally right so as we know ki okay, indian education system jo hai wo रिसर्च के और इनोवेशन के फील्ड में काफ़ी कम कंट्रीब्यूट करता है Okay, we create only jobs. हम एक ही गोल लेकर चलते हैं कि हमें जॉब मिलनी चाहिए बट वी डू नॉट प्रिपेयर अवर यूथ टू क्रिएट जॉब्स तो उसको बूस्ट देने के लिए ये रैंकिंग प्रिपेयर की जाती है रैंक कैटेगराइजेशन कैसे है सो देर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज फर्स्ट इज़ पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशंस एंड अदर इज़ प्राइवेट और सेल्फ फिनेंसड इंस्टीट्यूशंस राइट आप जब कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाए तो आपको इजीली ये पता चल जाएगा कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है या सेल्फ फिनेस्ड कॉलेज है द पब्लिकली फंडेड इंस्टीट्यूशन बीन फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड एंड द थर्ड कैटेगरीज गवर्मेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स और जो प्राइवेट कॉलेज है प्राइवेट और सेल्फ फाइनेस्ड इंस्टीट्यूशन हैटेगराइज फर्दर इन टू कैटेगोरीज दोज आर प्राइवेट और सेल्फ फाइनेंस्ड यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट और सेल्फ फाइनेस्ड कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स देखिए अभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में फ़र्क है राइट यूनिवर्सिटी इज़ अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव और कॉलेज इज़ द सिंगल इंस्टीट्यूट राइट सो अस्थ सब कैटेगरी फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वुमन हैज़ बीन इंट्रोड्यूसड इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एनकरेज वुमन एंड ब्रिंगिंग जेंडर पेरिटी इन द ए एरिया ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रीन्योरशिप तो इस बार जो वुमेन रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी सब कैटेगरी में जोड़ा गया है मेजर इंडिकेटर्स कौन से थे रैंकिंग के लिए भाई कि कौन से बेसिस पे रैंकिंग दिए गए हैं सो दोज आर बजट एंड फंडिंग सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ अवेयरनेस प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर एंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स एंड कोर्सेज देखिए एंटरप्रीन्योरशिप पर क्यों जोर दिया जा रहा है बिकॉज नाउ इंडिया इज ट्राइंग टू क्रिएट एंटरप्रीन्योरशिप माइंड्स कि किस तरीके से जॉब लेने के बारे में लोग ना सोचे बट जॉब देने के बारे में सोचे कि अगर मैं कोई डिग्री ले रहा हूँ कोई डिग्री अचीव कर रहा हूँ देन आई शुड बी एबल टू क्रिएट एटलीस्ट टू और थ्री जॉब्स राइट तो उस हिसाब से मेरा माइंड डेवलप होना चाहिए जो कि कॉलेज बेस पे किया जाएगा इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स एंड कोर्सेज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड कॉमर्शियलाइजेशन एंड इनोवेशन इन गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन राइट right? तो इन बेसिस पे रैंकिंग दिए गए ना व्हाट आर द टॉपर इंस्टीट्यूट इन 2020 सो so, जो अलग अलग कैटेगरी में जिन्होंने टॉप किया है वो है इंडियन आईआईटी मद्रास दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और उसी हिसाब से आपको मैंने पूरी लिस्ट दी हुई अलग अलग कैटेगरी में तो आपको ये सारे कॉलेज जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए ओके okay, आपको सारे नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है गुजरात में से कौन से कॉलेजेस चुने गए हैं तो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ का जो पर्टिकुलर सेक्टर था फील्ड था उसमें से फोर्थ नंबर पे आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड फिफ्थ रैंकिंग पे ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड जी तो इनको इस कैटेगरी में चौथा और पांचवा स्थान दिया गया है और कोई भी कैटेगरी जो हमने आगे सारी कैटेगरीज डिस्कस की कोई भी कैटेगरी में गुजरात की एक भी कॉलेज नहीं है या कोई यूनिवर्सिटी नहीं है दीज आर ओनली टू यूनिवर्सिटीज विच आर हाईलाइटेड इन दी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटीज़ विच हैज़ अटेंडेड फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक रिस्पेक्टिवली ओके okay, तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं फो, फोर्थ रैंकिंग पे है आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड फिफ्थ रैंकिंग पे है जी टी यू ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक और पिछले कुछ दिनों में आपने ये देखा होगा स्वच्छ सर्वेक्षण ट्वेंटी ट्वेंटी बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स

ठीक है आज से पाँच साल पहले हम अगर देखते थे तो हमारे शहर है गांव है वो काफ़ी गंदे होते थे एंड वी वी डिड नॉट हैव एनी थॉट रिलेटेड टू क्लीनलीनेस हम बातें करते थे और हम कंप्लेन करते थे कि हमारे शहर तो कितने गंदे हैं बट जब 2015 में इसको लॉन्च किया गया राइट right? तो तब से लेकर अब तक जो बिहेवियरल चेंज है कॉमन सिटीज़न का वो हमें देखने को मिला है दिस ईयर द मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज रैंकिंग बेस्ड ऑन द कैटेगराइजेशन ऑफ सिटीज ऑन पॉपुलेशन इंस्टेड ऑफ़ रिलीजिंग ओवरऑल रैंकिंग और ये हम 2020 के आगे के लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं बिलो वन लेख पॉपुलेशन ग्रेटर देन वन लैख पॉपुलेशन वन लैख एंड अब पॉपुलेशन कैटेगरीज बनाई गई थी The categories based on population were introduced in 2019 for the first time, but the exact groupings have been changed this year, right? तो आपको दो चीज़ याद रखनी है कि ये कब लॉन्च किया गया था और कौन सी मिनिस्ट्री की तरफ से इसको मैनेज किया जाता है तो उसका आंसर क्या होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मेजर कैटेगरीज एंड रैंकिंग क्या थी तो देखिए पहली जो बड़ी कैटेगरी थी दैट इज सिटीज विध पॉपुलेशन ऑफ मोर देन टेन लैक और यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक मिला है वो है इंदौर और इंदौर पिछले लगातार तीन चार सालों से फर्स्ट रैंकिंग पे आ रहा है इंदौर वॉज रैंकड फर्स्ट सिक्योरिंग दी रैंक फॉर दी फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव ईयर फॉलोड बाई सूरत एंड नवी मुंबई तो सूरत को सेकेंड रैंक मिला है और नवी मुंबई को थर्ड रैंक मिला है और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ गुज गुजरात के चार सिटीज़ जो है बड़ोडा अहमदाबाद सूरत एंड राजकोट चारों को इस टॉप टेन में रैंकिंग मिली है ऑल दी नेशनल कैपिटल रीजियन सिटीज़ ग्रेटर मुंबई बृहत बेंगलुरु अमृतसर कोटा चेन्नई हैव परफॉर्म्ड पुअरली पटना विद दी रैंक 47 सेवन इज दी बॉटम ऑफ दी लिस्ट तो जो 10 लाख से अबो वाले जो पॉपुलेशन है उसमें पटना ने सबसे आखिर में उसको रैंक दिया गया है दैट इज़ फोर्टी अब दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज सिटीज़ विद द पॉपुलेशन ऑफ वन टू टेन लैख सो छत्तीसगढ़ अंबिकापुर हैज़ बीन सर्वेड एज दीन क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री फॉलोड बाय मैसूर एंड न्यू डेली बिहार गया विद अ रैंक ऑफ थ्री एटी टू इज एट दी बॉटम सिटीज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन वन लेख सो दैट इज़ कराड़ हैज़ बीन रैंकड एज दी क्लीनली क्लीनेस्ट फॉलोड बाई दासवड़ एंड लोनावला एंड ऑल थ्री इन महाराष्ट्र तो ये आपको याद रखना है एटलीस्ट टॉप जो है और गुजरात के जो सिटीज़ है वो कंपल्सरीली आपको याद रखने हैं अदर कैटेगरीज कौन सी थी सो वाराणसी हैज़ बिन रैंकड द अमोंग फोर्टी सिक्स गंगा टाउन्स जलंधर गॉड द टॉप रैंक अमोंग कैंटोमेंट जो कैंटॉनमेंट जोन होते हैं सिटीज़ में तो वहाँ पे जलंधर को टॉप रैंक दिया गया है न्यू डेली वॉज दी क्लिनली क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी छत्तीसगढ़ वॉज रैंकड दी क्लीनेस्ट स्टेट आउट ऑफ दोज विथ ओवर हंड्रेड अर्बन लोकल बॉडीज और सिटीज तो देखिए छत्तीसगढ़ को सबसे क्लीनेस्ट स्टेट का रैंक दिया गया है झारखंड वॉज दी क्लीनेस्ट स्टेट विथ लेस देन हंड्रेड अर्बन लोकल बॉडीज़ और सिटीज तो हंड्रेड यू से ज़्यादा जहाँ पे है वहाँ पे छत्तीसगढ़ फर्स्ट रैंक पे है और 100 यू से कम जहाँ पर है वहाँ पे झारखंड फर्स्ट रैंक पे है इन जुलाई 2020 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च द सिक्स एडिशन ऑफ़ द सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 एंड आल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू परफॉर्मेंस कैटेगरी एंड दैट इज़ नोन एज प्रेरक दौर सम्मान तो जो नेक्स्ट साल के जो रैंकिंग होगे उसमें एक नई कैटेगरी लॉन्च कर एड कर दी जाएगी जो है प्रेरक दौर सम्मान इट हैज अ टोटल फाइव एडिशनल सब कैटेगरीज और प्रेरक दौर सम्मान में कौन सी फाइव एडिशनल कैटेगरीज है दो दिव्या अनुपम उज्ज्वल उदित एंड आरोही तो ये आपको याद रखना है ये आपको एडिशनली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है

इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं जिससे हमारे शहर और गांव धीरे धीरे स्वच्छ हो रहे हैं क्लीन हो रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन वॉज लॉन्च्ड इन ट्वेंटी फोटीन विथ दी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अर्बन इंडिया 100% परसेंट ओपन डेफिकेशन फ्री खुले में शौच की जो समस्या है हमारे देश में उसको धीरे धीरे कैसे कम किया जा सके उसके गोल के साथ ये स्टार्ट हुआ था it has a deep impact on health livelihoods quality of life and behavior which proved to be very helpful while dealing with covid-19 pandemic as well ministry of housing and urban affairs also actively working on coming up with a second phase of sbm urban which was initially supposed to be till march 2020 but now has been extended till march 2021 and its envisions to take current targets further making cities open defecation free इंक्लूडिंग हंड्रेड परसेंट स्लज मैनेजमेंट एंड जीरो डंपिंग ऑफ वेस्ट इन दिन सेफ कंटेनमेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजेबल ऑफ फिकल स्लज एंड सेप्टेज फ्रॉम टॉयलेट्स एंड ऑल्सो द ग्रे एंड ब्लैक वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड एंड एस्टेब्लिशमेंट तो कैसे उसको रिसाइकल किया जा सके कि उसके बारे में भी अब आने वाले सालों में काम किया जाएगा राइट तो दीज आर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन तो ये प्रिलीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है दिस इज जस्ट फॉर योर बेटर डरस्टैंडिंग ऑफ योर टॉपिक राइट तो यह आपको एक बार गोथ्रू कर लीजिए तो आपको स्वच्छ भारत मिशन क्या है कैसे उसने हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट किया है वो चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फिनंशियल एजुकेशन तो ये आपका जो टॉपिक है वो आपके इकोनॉमिक के साथ इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के फील्ड में आप इसको रख सकोगे द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हेज़ रिलीज द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फिनेंशियल एजुकेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डॉक्यूमेंट फॉर क्रिएटिंग अ फिनेशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया इट इज़ द सेकेंड एन एस एफ ई दर्स्ट वन बींग रिलीज इन ट्वेंटी थर्टीन देखिए अब नाम से ही क्या पता चल रहा है कि देश में फिनेंशियल एजुकेशन लोगों तक ले जाने के लिए जो काम करेगा और वो काम कौन करेगा हमारे सेंट्रल बैंक दैट इज़ आर राइट तो फिनंशियल एजुकेशन की ज़रूरत क्या है तो हम धीरे धीरे डिजिटल एज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आजकल आप देखोगे कि सब्ज़ी वाले के पास या छोटी दुकान वाले के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल होगा और आपके पास भी एंड्रॉयड मोबाइल होगा अब जब दोनों बायर और सेंडर के पास जब एंड्रॉयड मोबाइल है तो क्यों ना कैश ट्रांज़ेक्शन की बजाय उसको डिजिटलाइज कर दिया जाए और इसी को आगे बढ़ाने के लिए फिनंशियल एजुकेशन लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है और ये बेसिकली स्टार्ट कब से हुआ था डीमोनेटाइजेशन थे इसको बूस्ट मिला था अदरवाइज काफ़ी सालों से इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था बट डी के बाद जब मार्केट में कैश की कमी होने लगी तब डिजिटल ट्रांज़ेक्शन का जो आइडिया था वो गाँवों तक भी पहुंचा राइट सो फिनेशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एक एस्टेब्लिश की जाएगी जिसको चेयर कौन करेगा ऑनरेबल यूनियन फिनंस मिनिस्टर जो कि एज ऑफ नाउ निर्मला सीतारमन है फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल सब कमेटी बनाई जाएगी जिसको चेयर करेंगे आरबीआई के गवर्नर जो कि अभी है शक्तिकांता दास टेक्निकल ग्रुप ऑन फिनेंशियल इंक्लूजन एंड फिनंशियल लिटरेसी तो एक अदर टेक्निकल ग्रुप बनाया जाएगा जिसको चेयर करेंगे डेप्यूटी दे, गवर्नर ऑफ आरबीआई जो कि चारों आरबीआई गवर्नर में से कोई भी एक हो सकेंगे राइट देन उसके बाद डीएफएस एंड डी बनाए जाएंगे जो कि अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस आरबीआई, सेबी आरआईडीआई पी एफ़ आर डी ए जैसी जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी इसके साथ इंक्लूड किया जाएगा एन सी एफ ई स्पेशल इन्वाइटीज़ कौन होंगे ये सारे ग्रुप्स में एन पी सी आई एस आर ओज डी एफ आईज़ एन जी ओज राइट तो इस तरीके से पूरा एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ताकि देश के एंड यूज़र तक फिनंशियल एजुकेशन पहुँचाया जा सके राइट एंड दीज आर दी डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आर बी आई तो एन एस विश्वनाथन इज द डेप्यूटी वन ऑफ द डिप्यूटी गवर्नर्स बी पी कानूनगो माइकल पात्रा एंड एम के जैन तो ये चार जो है वो करंट एज ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी दीज आर दूटी गवर्नर्स ऑफ आर बी आई राइट दी एन एस एफ फॉर दीरियड ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटीड बाई द नेशनल सेंटर फॉर फिनेंशियल एजुकेशन In consultation with all the financial sector regulators, meaning RBI, SEBI, Insurance Regulatory and Development Authority of India, that is IRDAI, Pension Fund Regulatory and Development Authority, etc., under the aegis of the technical group on financial inclusion and financial literacy. NCFE is a section 8. Company under the Companies Act 2013, promoted by RBI, SEBI, IRDEI, and PFRDA. It emphasizes a multi stakeholder led approach for empowering various sections of the population to develop adequate knowledge, skills, attitudes, and behavior which are needed to manage their money better and to plan for the future, ensuring their financial well being. राइट right? तो किस तरीके से अपने मनी को अच्छे तरीके से डिजिटली आप मैनेज कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर वेलबींग उसके लिए ये टेक्निकल ग्रुप्स सारे काम करेंगे इट हैज़ रिकमेंडेड अ फाइव सी अप्रोच फॉर डिसेमिनेशन ऑफ फिनंशियल एजुकेशन इन कंट्री एंड वॉट आर दोज फाइव सीज फर्स्ट इज कंटेंट सो फिनेशियल लिटरेसी कंटेंट फॉर वरियस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन क्रिएट किया जाएगा कि किस तर... पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाएगा कि वॉट इज फिनेशियल लिटरेसी हाउ यू शुड अचीव फिनेंशियल लिटरेसी एंड ऑल दोज थिंग्स कैपेसिटी डेवलप द कैपेसिटी एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर फिनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइडर्स कम्युनिटी इवॉल्व कम्युनिटी लेड अप्रोच इज़ फॉर डिसेमिनेटिंग फिनेंशियल लिटरेसी इन अ सस्टेनेबल मैनर नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन यूज टेक्नोलॉजी मीडिया एंड इनोवेटिव वेज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर डिसेमिनेशन ऑफ फिनेंशियल एजुकेशन मैसेजेस कोलोबरेशन स्ट्रीमलाइन एफर्ट्स और अदर स्टेक होल्डर्स फॉर फिनेंशियल लिटरेसी तो ये फाइव सी के बेसिस पे ये पूरा अप्रोच रेडी किया जाएगा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिवस क्या होंगे इसके सो इनक्यूकेट फिनेंशियल लिटरेसी कॉन्सेप्ट अमोंग दरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू फिनेंशियल एजुकेशन टू मेक इट एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल तो आने वाले समय में डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है वो कितना यूजफुल होने वाला है उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा एनकरेज एक्टिव सेविंग बिहेवियर एनकरेज पार्टिसिपेशन इन फिनेंशियल मार्केट्स टू मीट फिनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स शेयर मार्केट हो गया म्यूचुअल फंड्स हो गया एस हो गए राइट right? उसमें लोगों को एनकरेज किया जाएगा टू इन्वेस्ट देयर मनी डेवलप क्रेडिट डिसिप्लिन एंड एनकरेज अवेलिंग क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल फिनैंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर रिक्वायरमेंट इम्प्रूव यूसेज ऑफ डिजिटल फिनेंशियल सर्विसेज इन सेफ एंड सिक्योर मैनर मैनेज रिस्क एट वरियस लाइफ स्टेजस थ्रू रेलिवेंट एंड सूटेबल इंश्योरेंस कवर ताकि लोगों को अपनी हेल्थ के लिए या एक्स वाई जेड नीड के लिए लोन ना लेनी पड़े राइट अदरवाइज लोगों को क्या होगा अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है मान लीजिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो जब कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी अचानक से तो आपको अपनी सेविंग्स में से पैसा निकालना पड़ेगा और हो सकता है कि आपके पास उसकी से उतनी सेविंग ना हो इन दैट केस व्हाट यू लोगों लोगों के पास उधार लेना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें लोगों को ना करनी पड़े इन सारी चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए पूरा एक प्लान रेडी किया जाएगा प्लान फॉर ओल्ड एज एंड रिटायरमेंट थ्रू कवरेज ऑफ स्यूटेबल पेंशन प्रोडक्ट्स नॉलेज अबाउट राइट्स ड्यूटीज एंड एवेन्यूज फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल इम्प्रूव रिसर्च एंड इवेल्युएशन मेथड्स टू असेस प्रोग्रेस इन फिनेंशियल एजुकेशन तो देखिए ये सारी चीज़ें एकदम ग्रास रूट लेवल से की जाएगी ताकि लोगों को पता चलेगा भाई वॉट इज माई फिनेंशियल मैनेजमेंट हाउ टू मैनेज माई मनी ओके फॉर इंडिविजुअल्स फ्यूचर वेलबीइंग this strategy also suggests adoption of robust monitoring and evaluation framework to assess the progress made टी जी एफ आई एफ एल वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पीरियॉडिक मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एस एफ ई अंडर दाइड ऑफ फिनेशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एंड टी जी एफ आई एल वॉज सेटअप इन नवम्बर ट्वेंटी इलेवन बाई एफ एस डी सी रिसेंटली आर बी आई ऑल्सो रिलीज द नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फिनशियल इंक्लूजन फॉर द पीरियड ट्वेंटी नाइनटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तो देखिए किस तरीके से टायर टू और टायर थ्री टायर फोर जो सेंटर्स है छोटे पॉपुलेशन वाले जो सिटीज़ है वहाँ पर भी किस तरीके से सिटीज़न को फिनेंशियल इंक्लूजन में लाया जाएगा उसके बारे में ये पूरा नेशनल प्लान रेडी किया जा रहा है और सीधे उसको चेयर कौन कर रहे आर बी आरबीआई गवर्नर से लेकर हमारे यूनियन फिनंस मिनिस्टर डायरेक्टली उसको चेयर करेंगे नेक्स्ट जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ हरित पाथ मोबाइल एप्लीकेशन सो रिसेंटली दी नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नोन एज हरित पाथ टू फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ ग्रीन हाईवेज अक्रॉस द कंट्री ना वॉट आर दिस ग्रीन हाईवेज एम क्या है इसका सो द एप्लीकेशन विल हेल्प टू मॉनिटर लोकेशन ग्रोथ स्पेशल डिटेल्स मेंटेनेंस एक्टिविटीज टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स फॉर ईच एंड एवरी प्लांट मॉनिटरिंग किसकी की जाएगी इन ऑर्डर टू टेक ट्रैक द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द प्लांट्स फोटोग्राफ्स अलोंग विद डाटा ऑफ द प्लांट्स कैप्चर्ड यूजिंग हरित पाथ एप्लीकेशन शेल बी अपलोडेड एवरी थ्री मंथ्स ऑन एन एच ए आईज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लेक तो ये डाटा लेक पे ये सारे जो फोटोग्राफ्स है वो उसको अपलोड किए जाएंगे अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी सो हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स शेल बी अकाउंटेबल फॉर प्रॉपर अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांटेशन एंड लाइबल टू रिप्लेस द मिसिंग डेड प्लांट्स ठीक है so तो जो अब आने वाले सालों में हो सकता है कि आप जब हाईवे पे निकलो तो आपको पूरी ग्रीनरी वाले हाईवेज यहाँ पे दिखेंगे राइट तो उसके लिए पूरा काम किया जा रहा है पेमेंट कौन करेगा सो परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑफ़ द प्लांट्स शेल बी लिंक्ड टू द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर दिस वर्क तो जब तक कॉन्ट्रेक्टर पूरे ग्रीन हाईवे नहीं क्रिएट कर देता तब तक उसको पेमेंट नहीं मिलेगा जब तक वो सारा प्री रिक्विजिट है कि भाई अपने इतने पेड़ उगाए होने चाहिए उसका मेंटेनेंस आपने इस इस कैटेगरी में किया होना चाहिए जब तक वो पूरा नहीं करता तब तक उसको पेमेंट नहीं की जाएगी हरित भारत संकल्प लॉन्च किया गया है सो रिसेंटली एन एच ए आई हैज कंप्लीटेड ट्वेंटी फाइव ईयरस ऑफ इट्स सर्विस टू कमोमोरेट दिस एज अंडरटेकन हरित भारत संकल्प अ नेशन वाइड प्लांटेशन ड्राइव राइट तो जनरली वॉट वी सी कि हाईवे इतने अच्छे तरीके से मेनटेन नहीं होते हैं राइट right? तो इसीलिए पूरे हाईवेज़ को भी जो नेशनल हाईवेज़ है उनको भी ग्रीन कवर के साथ अब जोड़ा जाएगा ताकि वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाए जा सके अंडर दिस इनिशिएटिव एन एच आई प्लांटेड ओवर ट्वेंटी फाइव लैक प्लांट्स इन ट्वेंटी फाइव डेज अलॉन्ग द स्ट्रेचिज ऑफ़ द नेशनल हाईवेज़ बिटवीन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई टू फिफ्टीन ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी तो देखिए ,00 पच्चीस लाख पौधे लगाए गए हैं और उनको आने वाले दिनों में उनको असिस्ट किया जाएगा ताकि वो आने वाले पाँच छः सात सालों में पेड़ बनकर जो हमारा ग्रीन कवर है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सके राइट सो so, हरित पाथ मोबाइल एप्लीकेशन इज क्वाइट इन ईजी टॉपिक नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें आता हुआ दिख रहा है दैट इज इलेक्शन कमिश्नर तो रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर जो अशोक लवासा थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था अब उनकी पोस्ट पर राजीव कुमार को अपॉइंट किया गया है सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड राजीव कुमार एज दी इलेक्शन कमिश्नर ही हैज़ बीन अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ अशोक लवासा हु रिज़ाइंड टू जॉइन दी एशियन डेवलपमेंट बैंक तो अशोक लवासा कहाँ गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक वहाँ पे जॉइनिंग की वजह से उन्होंने अपनी जो यहाँ की पोस्ट थी इलेक्शन कमिश्नर में जो वहाँ से उन्होंने रिजाइन किया था और उनकी जगह किसको लाया गया है राजीव कुमार दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ओके वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है और इलेक्शन कमीशन का अगर आपको कोई बुरा एक क्वेश्चन पूछा गया तो कॉन्सोलिडेट करके भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट एंड दिस इज दिस लोगो ऑफ अवर इलेक्शन कमिश्नर दिस इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा सो एज वी ऑलरेडी नो फ्रॉम अवर पॉलिटी मॉड्यूल के इलेक्शन कमीशन जो है दट इज द मल्टी लेयर बॉडी पहले सिंगल लेयर बॉडी हुआ करती थी सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी नाउ इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी द अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सुशील चंद्रा राइट तो सुनील अरोरा इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सुशील चंद्रा एंड राजीव कुमार इज नाउ द इलेक्शन कमिश्नर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स क्या है इसके ऑलरेडी देखिए हमने पॉलिटी में कवर किया है दिस इज जस्ट फॉर अवर रिविजन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टरिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया द बॉडी एडमिनिस्टर्स इलेक्शन टू दी लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया एंड दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द

नी एज देंट मे फ्राम कमिश्नर का नंबर कितना रखना है वो डिसाइड कौन करेगा प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे प्रेजेंटली इट कन्जिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट और टेन्यू और क्या होगा कमिश्नर्स का सो द प्रेडेंट अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स वी ऑलरेडी नो

इलेक्शन कमीशन ऑल इलेक्शन कमिश्नर से इन द डिस तो यह आपको खास याद रखना है सो दे कैन रिजाइन एनी टाइम और कैन ऑल्सो भी रिमूवड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म दीफ इलेक्शन कमीशनर कैन भी रिमूव्ड फ्रॉम हिस्स ऑफिस इन द सेम मैनर ऑर ऑन द सेम ग्राउंड as a judge of the supreme court in other words he can be removed by the president on the basis of resolution passed to that effect by both the houses of parliament with special majority either on the ground of proved misbehavior or incapacity to jab dono सदन special majority से pass कर देंगे removal प्रपोजल तब जाके उनको रिमूव किया जाएगा और रिमूव कौन करेगा बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट दस ही डज नॉट होल्ड इज ऑफिस टिल द्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट दो इज अपॉइंटेड बाई हिम ओके तो अल्टीमेट डिसीजन किसका होगा हाउस का है हाउस में प्रूव करना पड़ेगा तब जाके प्रेसिडेंट उनको रिमूव करेंगे एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो देखिए दिस इज दी ओनली एरिया जहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का से होगा थोड़ा ज़्यादा इन कंपेरिजन टू द इलेक्शन कमिश्नर अदरवाइज बाकी सारे जो उनके पर्क सैलरीज या ऑथोरिटी है वो सारी कैसी रहेगी सेम रहेगी लिमिटेशन क्या होगी सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइबड द क्वालिफिकेशन्स ऑफ़ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन कोई लीगल या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिसाइडेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन दैट इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डी बैड द रिटायरिंग इलेक्शन कमीशनर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाई गवर्नमेंट राइट तो एक बार अगर उनका टेन्योर पूरा हो जाता है या वो रिज़ाइन कर दे अपनी इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट से तो उनको फ्यूचर में गवर्नमेंट कहीं पर भी अपॉइंट कर सकती है राइट तो उसके ऊपर कोई बैन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लगाया नहीं गया है तो ये उसकी लिमिटेशन थी राइट तो दिस वाज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और हमने जो पॉलिटी वाला टॉपिक था वो भी पूरा एक बार हमने रिवाइज कर लिया है नेक्स्ट टॉपिक इज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड so for the first time five sport persons will be receiving the rajiv gandhi khel ratna award on the occasion of the national sports day on the 29th of august ऑगस्ट और national sports स्पोर्ट्स अवार्ड किसको मिलेंगे तो वो मिल रहे हैं जो लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्रिकेट में वो मिल रहा है रोहित शर्मा को पैरा एथलेटिक्स में मिल रहा है श्री मरियप्पन टी को टेबल टेनिस में वो मिल रहा है मानिका बत्रा को रेसलिंग में मिल रहा है मिस विनेश को एंड हॉकी में वो मिल रहा है मिस रानी को तो पहली बार एक साथ पांच लोगों को आ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है ऑल्सो ट्वेंटी सेवन स्पोर्ट्स पर्सन हैव ऑल्सो बीन फाइनलाइज्ड फॉर द अर्जुना अवार्ड वाइल फाइव कोचिज विल रिसीव द्रोणाचार्य अवार्ड मिस रानी विल बिकम ओनली दर्ड इंडियन हॉकी प्लेयर आफ्टर धनराज पिल्लई एंड सरदार सिंह टू रिसीव दी खेल रत्न देखिए आज तक हॉकी बीइंग अवर नेशनल स्पोर्ट्स फिर भी मिस रानी तीसरी ऐसी हॉकी प्लेयर बनेगी जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल रहा है मरियपन टी इज दी ओनली थर्ड इंडियन पैरा एथलीट टू बी अवार्डेड दी खेल रत्न अवार्ड आफ्टर फॉर्मर पैरालंपिक मेडलिस्ट देवेंद्र झजरिया एंड दीपा मलिक Rajiv Gandhi Khilratna Award is the highest sporting award given by the Ministry of Youth Affairs and Sports for the spectacular and most outstanding performance in the field of sports by the sports person over the period of four years. Okay, and the award comprises a medallion, a certificate, and a cash prize of 7.5 lakhs. The National Sports Day is observed every year across India on 29th of August to mark the birth anniversary of the legendary hockey player Dhyan Chand, who was born on 29th of August 1905. तो उनकी याद में ट्वेंटी नाइन्थ ऑगस्ट को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और उसी दिन ये सारे अवार्ड्स दिए जाएंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अर्जुना अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, सो टर्की नाम का जो एक कंट्री है और रिसेंटली अभी न्यूज़ में था अगर आपने देखा हो तो आमिर खान ने टर्की की जो फर्स्ट लेडी थी प्रेसिडेंट की वाइफ़ उनके साथ मुलाकात की तो उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी अब क्यों कंट्रोवर्सी हुई सो बिकॉज टर्की के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होते होते बिगड़ चुके हैं वाई बिकॉज़ यूनाइटेड नेशंस में सी वाला जो मुद्दा था तो उसमें टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और इंडिया का इंडिया को अपोज़ किया था और तब से इंडिया ने टर्की को ब्लैक लिस्ट कर दिया है और एक काफ़ी बड़ी डिफेंस डील होने वाली वाली थी टर्की के साथ उसको कैंसिल कर दिया गया था ईवन हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे टर्की विजिट पे उसको भी प्राइम मिनिस्टर ने रद्द कर दिया था तो डिप्लोमेटिक लेवल पे टर्की के साथ हमारे रिलेशन थोड़े बैकफुट पे जाते हुए हमें नज़र आए थे अब वापस क्यों टर्की न्यूज़ में है सो रिसेंटली द टर्किश प्रेसिडेंट रिकनवर्टेड दी चोरा म्यूजियम इन अ मॉस्क और ये पहली बार नहीं है कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने किसी म्यूज़ियम को मॉस्क में मॉस्क यानी मस्जिद राइट जहाँ पे मुसलमान लोग अपनी प्रेयर ऑफर करने के लिए जाते हैं दैट इज़ नोन एज मॉस्क इसके पहले भी पिछले महीने एक म्यूज़ियम को बदल दिया गया था मॉस्क में ओके okay, तो दिस इज़ दी चोरा म्यूज़ियम जिसको मॉस्क में बदल दिया गया है एंड दिस इज़ दी अनदर मॉस्क जो कि पहला म्यूज़ियम है जिसको मॉस्क में बदल दिया गया था एंड दिस इज दी हागिया सोफिया मॉस्क तो ये आपकी आने वाली एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है हागिया सोफिया नेम जो टर्की की टर्की का पहला ऐसा मॉस्क है जिसको मस्जिद में बदल दिया गया सो रिसेंटली द टर्किश प्रडेंट रिकन्वर्टेड दी चोरा म्यूज़ियम इन टू अ मॉस्क दिस इज द सेकेंड म्यूज़ियम आफ्टर हागिया सोफिया टू बी कन्वर्टेड इन टू अ मॉस्क टर्की इज़ ऑल्सो फाउंडर न्यू गैस फील्ड इन दी ब्लैक सी now what is chora museum it was built initially as a church in 534 ad during the early byzantine period in the 11th century its internal walls pillars and domes were covered with mosaics and frescoes showing scenes from biblical stories after the conquest of constantinople by the ottomans in the

हार्डोगन करंट जो टर्किश प्रेसिडेंट है दैट इज़ प्रो इस्लामिक प्रेसिडेंट तो उनकी जो भी पॉलिसीज़ है वो इस्लाम रिलीजन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती हुई हमें दिख रही है तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं जो भी जो भी मॉन्यूमेंट या जो भी यूनिवर्सिटीज़ पे कैथलिक प्रभाव है ओके कैथलिक इन्फ्लुएंस है उसको धीरे धीरे वापस मुस्लिम चीज़ों में कन्वर्ट किया जा रहा है रीज़न क्या है सो द री कन्वर्जन कैन बी सीन एज टर्किश प्रेसिडेंट्स प्रो इस्लामिक पॉलिसीज वेर ही एम्फोसाइज टर्कीज़ ऑटोमन हिस्ट्री एंड डोमेस्टिक अचीवमेंट्स ओवर वेस्टर्न आइडियाज़ एंड इन्फ्लुएंसेस। बाई अडोप्टिंग प्रो इस्लामिक पॉलिसीज द टर्किश प्रेसिडेंट एम्स टू बिकम लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड तो जो मिडल ईस्ट में अगर प्रो इस्लामिक आप कुछ काम करते हो तो आप पूरे सारे ही इस्लामिक कंट्रीज़ को लीड कर सकते हो ऐसा उनका मानना है डेट्स वाई ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स और उसीलिए उन्होंने सी ए का विरोध किया था और पाकिस्तान को सपोर्ट किया था द दर्किश प्रेसिडेंट हैज़ ऑल्सो टेकन एंटी इंडिया पोजिशन एस्पेश ऑन कश्मीर टू बॉलस्टर इट्स ओन पोजिशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड इट कैन ऑल्सो भी सीन एज अ काउंटर टू यू एस एज रिकोगशन ऑफ जेरूसलेम एज द कैपिटल ऑफ इज़राइल जेरोसलेम विच एज अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ आरब मुस्लिम्स हु आर बिकमिंग मोर एंड मोर हॉस्टाइल बिकॉज ऑफ यू एस एज रिसेंट स्टैंड ऑन इसराइल पैलेस्टाइन इशू जो कि हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं दिस स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ मॉस्क वु गेन सपोर्ट ऑफ अरब कंट्रीज फॉर टर्की एंड्स वाई दी प्रेसिडेंट इज डूइंग ऑल दोज थिंगस कन्वर्टिंग ऑल दी कैथलिक और जो क्रिश्चन मोन्यूमेंट्स है उनको इस्लामिक uh, मोन्यूमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है और एक अच्छी बात टर्की के लिए जो पता लगी है वो है गैस फील्ड मिला है ब्लैक सी में जिसपे मालिकाना हक किसका है टर्की का रिसेंटली टर्की हेज़ फाउंड इट्स बिगेस्ट एवर नेचुरल गैस फील्ड डिस्कवरी इन ब्लैक सी दस गैस फील्ड विल बिकम फंक्शनल इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री देखिए दिस इज़ दी एरिया ऑफ ब्लैक सी और यहाँ पे यह है आपका टर्की का रीजन तो टर्की को इसका फ़ायदा मिलेगा उसकी इकोनॉमी को इसका बूस्ट मिलेगा टर्की इज डिटर्माइंड टू बिकम अ नेट एनर्जी एक्सपोर्टर द डिस्कवरी हैज़ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म टर्की इज डिपेंडेंस ऑन रशिया ईरान एंड अज़रबैजान फॉर एनर्जी इम्पोर्ट्स तो देखिए वो खुद से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर पाएगा फ्राम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो उसको बाकी के कंट्री से जो वो एनर्जी ले रहा था इंपोर्ट कर रहा था उसके ऊपर वो अंकुश लगा पाएगा उसको कम कर पाएगा करंटली टर्की इज़ हैविंग अ क्रॉनिक करंट अकाउंट डेफिसिट एनी रिडक्शन इन टर्कीज एनर्जी इंपोर्ट बिल वुड बूस्ट इट्स फिनंसिस इट विल ऑल्सो हेल्प द लीरा दैट इज़ द करेंसी ऑफ टर्की टू रिकवर अगेंस्ट द डॉलर currently Turkey is also having strained relation with its नेबर Greece over exploration of natural resources in Mediterranean Sea. तो ये जब आप जोग्राफी में पढ़ो पढ़ चुके होंगे तो ये सारे सी आपने तब देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि important लेक कौन से इम्पोर्टेंट ओशन कौन से है इम्पोर्टेंट सी कौन से और उसके ऊपर कौन से देश उसके आसपास उसके ऊपर अधिकार रख सकते हैं राइट right? तो ये नए गैस फील्ड के बारे में भी टर्की को फ़ायदा मिलेगा सो दिस वॉज योर टूडेज लेक्चर्स नाउ देर आर फ्यू टॉपिक्स इजी टॉपिक्स फॉर योर सेल्फ स्टडी फर्स्ट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो अगर आप रेगुलरली अगर न्यूज़ चैनल देख रहे हो या अगर न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हो तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट और प्रशांत भूषण के बीच में एक केस चल रहा है प्रशांत भूषण ने कोर्ट का कंटेम्प्ट किया था और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी सज़ा उसको सुनाने वाला है तो वो क्या है पूरा एक टॉपिक क्या है ठीक है तो वो आपका जुड़ेगा पॉलिटिक के साथ वो आपको एक बार खुद से रिवाइज करना है उसके ऊपर जो भी आर्टिकल्स है द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में वो आपको ट्राई टू रीड दिस अगर कोई इश्यूज में आता है अगर वो इश्यू समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी नो वी कैन डिस्कस इट ओके यू कैन डिरेक्टली कॉन्टेक्ट मी नेक्स्ट टॉपिक इज रिवेंप ऑफ लिंगाराज टेम्पल इन ओडिशा थर्ड इज़ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लाने का जो कि अंडर वन रूफ सारी एग्ज़ाम ली जाएगी देख रिसेंटली देर आर मल्टीपल एग्जाम्स तो अगर किसी स्टूडेंट कोई एक एग्जाम देनी है तो उसको बार बार उसके लिए फ़ी भरनी पड़ेगी अलग नंबर आएगा उसका कोड अलग होगा सेंटर अलग होगा तो ये सारी चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि एक ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी जो सारी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगी एंड फोर्थ वन इज डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जो कि पब्लिश किया गया है सर्फ शार्क की तरफ से तो वो जस्ट आपको इंडिया का रैंक कौन सा है क्वालिटी ऑफ लाइफ में राइट right? आप क्वालिटी ऑफ लाइफ में देखिए क्या होगा इंटरनेट अवेलेबिलिटी कैसी है वे ऑफ लाइफ कैसा है स्टेटस ऑफ़ लाइफ कैसा है तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड की गई है तो उसमें इंडिया का रैंक कौन सा है वो आपको बता करना है सो दिस वॉज योर टूडेज़ लेक्चर क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू